नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन, क्योंकि सहरसा और फोर्बिसगंज और दरभंगा फोर्बिसगंज ये सभी रेलखंड जो है आज जो है एक हो जाएगा, क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री इन सभी रेलखंडों पर ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है। जो 5 तारीख से ये सभी ट्रेनें जो है वो नियमित रूप से चलने लगेगी, दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस और सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस और सिलीगुड़ी, ये सभी ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं किराए के बारे में कि आखिर दानापुर से जोगबनी के बीच किराया क्या रहने वाला है, एसी का या फिर स्लीपर का, तो दोनों के ही बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं दानापुर से जोगबनी के बीच चलने वाली जो ट्रेन नंबर है 13212, इसका जो किराया रहने वाला है वो स्लीपर का 240 रुपये और थर्ड एसी का 615 रुपये रहेगा दोनों ही तरफ से। साथ ही जनरल टिकट का यहाँ पर कोई भी किराया जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो आगे हम बात कर लेते हैं सहरसा से जोगबनी के बीच जो एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी उसका किराया जो कितना रहने वाला है। तो ट्रेन नंबर 13214 सहरसा से जोगबनी के बीच चलेगी, जिसका स्लीपर का किराया जो है वो 145 रुपये रखा गया है और साथ ही थर्ड एसी का 505 रुपये रखा गया है। यहाँ पर किराया थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, इसमें भी जनरल कोच का किराया जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। अगर बात करें रक्सौल और जोगबनी के बीच चलने वाली, तो इसका अभी ट्रेन नंबर नहीं आया है, अभी जो है कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इसका 6 या 7 तारीख को उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री करेंगे। अगर बात करें जोगबनी और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाली, जिसका ट्रेन नंबर 15724 रहेगा, इसका भी किराया यहाँ पर जो है नहीं दिखाया जा रहा है चेक करने के बाद, तो इसका भी अभी किराया जो है वो अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही किराया अपडेट होगा आपको वीडियो जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो बड़ा दिन के साथ आज का दिन है 2 मार्च, और कई सारी रेलखंडों का प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन भी करेंगे, ट्रेनों का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। कई ऐसे स्टेशन है जो अमृत भारत में शामिल है, तो इन सभी रेलखंडों पर जो है ट्रेन का उद्घाटन और शिलान्यास, साथ ही बिहार को बड़ा तोहफा भी। बड़ा दिन जो है आज का दिन है, क्योंकि इस पल का लोग जो है कई वर्षों से, कई दशकों से इंतज़ार कर रहे थे। मिथिला और सीमांचल जो है वो आज से एक हो जाएगा, और ट्रेन सेवा से जो है ये ट्रेन सेवा जो है बहाल हो जाएगी मिथिला और सीमांचल के बीच। अब तक सिर्फ रोडवेज की सुविधा थी, करीब 90 सालों बाद जो है वो मिथिला से सीमांचल जुड़ रहा है। आपको बता दूँ 1934 में ही आए पलंगकारी बाढ़ के कारण जो है रेल सेवा बाधित हो गया था, जब से आज जो है ये रेलखंड फिर से एक होने जा रहा है। बाकी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।